नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। पिता ने पुत्र को बनाया व्यवसाय। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां आज कासिम बाजार में मेंस वियर का शुभ आरंभ हुआ। मेंस वियर का मुख्य अतिथि सरदार जितेंद्र सिंह डब्बू जी ने उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि इस मेंस वियर शोरूम में ब्रांडेड वस्त्र उचित मूल्य पर उपलब्ध रहेगा। इससे शहर वासियों को सुविधा होगी। प्रोपराइटर मंजीत सिंह एंड कंपनी के नीचे मेंस वियर वस्त्र की दुकान स्थित है। श्री प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि इस दुकान में हर डिजाइन के वस्त्र मिलेंगे उचित दरों पर। उक्त अवसर पर संजय कुमार मिश्रा, हिमांशु मिश्रा, आयुष मिश्रा, श्रेया मिश्रा, गुनगुन जो लक्ष्मी के रूप में जानी जाती हैं। श्रेया मिश्रा, गुनगुन जब से घर में पैदा हुई है तब से लक्ष्मी का आना शुरू हो गया है। आज उन्हीं की देन है, यह कारोबार में तरक्की हो रही है। आइए सुनते हैं मुख्य अतिथि सरदार जितेंद्र सिंह डब्बू सिंह की जुबानी। सबसे पहले मैं आज आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मिश्रा जी के जमीन पे खुली है, जो कि इनका बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ भी सेल की कोई कमी नहीं है। शायद इनके जमीन का बोलिए या हमारे पापा जी का आशीर्वाद बोलिए, लेकिन यहाँ भी बिक्री बहुत अच्छी है। और ये नीचे नया जेंट्स का डिपार्टमेंट खुला है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी वैसे ही पूरे बलिया में सबसे अच्छा चलेगा। आज आपकी दुकान खुली है, जिसका उद्घाटन सरदार जी ने किया है। आज कंपटीशन का मामला है, ऐसे कंपटीशन के मामले में आप अपनी दुकान को किस तरह से ग्राहकों को संतुष्ट करने का काम करेंगे? देखिए, हम तो किसान के लड़के हैं, गांव से आए हैं। मनियर बिशुनपुरा मेरा गांव है और प्रयास किया गया। हम लोग, हमारे पिताजी कहा करते थे कि तुम धंधा तुम लोग नहीं कर पाओगे या धंधा तुम्हारे पास का नहीं है, क्योंकि मेरे तीन भाई एयरफोर्स और नेवी में जो उससे बड़े हैं छोटे हैं। मेरे सबसे छोटे भाई 5 किलोमीटर मेरे साथ मेरे संघर्षों में मेरे साथ पूरे जीवन पे लगाए और आज 10 सालों से मनियर में हीरो की एजेंसी चला रहे हैं। शायद उस इलाके की सबसे बेहतरीन बिजनेस का नमूना उन्होंने पेश किया है और एक सामाजिक रिश्ता भी गांव नगर सबसे पेश किया है। बलिया में हम ट्रांसपोर्ट का पहले काम करते थे और मेरे छोटे भाई के सहयोग से हम इस जमीन को अपने नाम कराने में कामयाबी हासिल की 2005 में। और उसके बाद से लगातार प्रयास रहा कि पिताजी का वो सपना था कि हमारा बेटा धंधा नहीं कर पाएगा और मैं सफल बिजनेसमैन बनना चाहता था। उसके लिए मैं निरंतर तपस्या किया और 2005 के बाद मेरा मकान बना है 2018-19 में। और मकान आपने एक पर्चे बता दीजिए। स्वामी जी और गंदी जी महाराज, इसी नाम से लोग जानते हैं। ये नाम जय गंदे का टूपा है, लेकिन इसी नाम से मुझे जानते हैं जी। कि आपका आश्रम किस जगह पर है? शाखाएँ बहुत जगह हैं, मुख्यालय है वाराणसी जी। अभी आप जहाँ हैं यहाँ का नाम क्या है? यहाँ पर है जनपद जी। किस तरह के भंडारा आपके यहाँ चल रहे हैं? यहाँ पर इसमें भंडारा लगभग 8-9 रोज आज हो गया। ये भंडारा चल रहा है बाढ़ के, क्योंकि चारों तरफ बाढ़ से लोग ग्रसित हो गए, उनको भोजन करने की असुविधा हो रही है। इसलिए आश्रम ने ऐसा कदम उठाया कि कम से कम सभी लोगों को काम आए और आश्रम पर प्रतिदिन भंडारा का काम, लंगर का काम चल रहा है, जिससे लोगों को खाने के लिए परेशानियाँ भी होती है। जी, एक दिन में कितने लोगों की व्यवस्था हो पाती है? इस समय लगभग 1.5-2 हज़ार पब्लिक डेली भंडारा है और सभी वर्ग के सभी लोग हर जगह पे आते हैं जी। हम जानना चाहते हैं इसके अलावा भी इस आश्रम में कोई कार्य होते हैं? हाँ, इसके अलावा भी वार्षिक भंडारा होता है, 3 दिवसीय कार्यक्रम रहता है, तो मई में रहता है, जिसमें अधिक से अधिक श्रद्धालु जन आते हैं। आध्यात्मिक भजन,
भी सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, ध्यान भजन भी होता है और फिर भंडारे का प्रसाद लेकर के अपने अपने काज को ले चले जाते हैं। सुनने में कुछ गठिया या शुगर की बात कर, हाँ इस आश्रम का नियम है, सिद्धांत है कि मुझे अपनाओ, बीमारी भगाओ, पैसे बचाओ। जितने लोग आते हैं डॉक्टरों से जवाब पाए हुए रोगी, जिसका कोई इलाज नहीं हो पाता है एलोपैथ में या आयुर्वेद में, चाहे होम्योपैथ अथवा किसी भी कारण से, जब उनको लाभ नहीं मिलता है तो ये जय गुरुवंदे आश्रम को पूछ करके, सुन करके लोग आते हैं। और जब यहाँ पर आते हैं तो हम उनको उपाय बतलाता हूँ, सरल से सरल तरीका बतलाता हूँ, और ऐसा तरीका बतलाता हूँ, ऐसी सामग्री बताता हूँ यूज करने के लिए जो हर व्यक्ति के घर में रोज प्रयोग होता है। जी, तो आपके आश्रम में कोई आपसे संपर्क करना चाहे, देश के कोई भी व्यक्ति, तो किसे संपर्क करेगा? तो आश्रम का कांटेक्ट नंबर है, जितनी भी आश्रम है हर जगह कोई न कोई कांटेक्ट नंबर निर्धारित रहता है, उसको चाहे मुख्यालय से कर सकते हैं या किसी भी शाखा से, जब वो संपर्क बनाएंगे तो उनको मेरे पास आने की सारी पता जो है मिल जाता है। जी, और जब जैसे ही मेरे से मिलते हैं फिर उनको हम उपाय बता देंगे। समाज में कल्याण हेतु जो भी कार्य मैं उठाया हूँ उसमें कोई मेरा फीस नहीं है और ना ही मेरा कोई व्यक्तिगत उसमें उद्देश्य है, बस हमारा एक ही लक्ष्य है कि धर्म को जाने और निरोगी काया बने। जी, इससे देखा जाए तो देश दुनिया में अधिकतर लोग रोगी हैं, और पेट से हो, चाहे जो शुगर से हो, चाहे गठिया से हो, ऐसा है कि उन सब के लिए आपके द्वारा क्या संदेश है? हाँ, मेरे द्वारा यही संदेश है कि जो व्यक्ति रोगी, पहले तो रोगी होते हैं खान पान के असहमित से, टेंशन रहता है उनको, ज्ञान नहीं रहता है कि हमें कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसलिए वो रोगी हो जाते हैं। मान लिया जाए कि यदि रोगी हो भी गए तो तुरंत जाते हैं एलोपैथ का सहारा लेते हैं, और एलोपैथ में यदि तुरंत आराम मिल गया तो ठीक है, लेकिन लंबे समय तक यदि दवा ले रहे हैं तो फिर वो बीमारी से ग्रसित होते चले जाते हैं। जब मेरे पास आते हैं सुन करके तो उनको एलोपैथ की जो सिस्टम है, जो एलोपैथ की दवा है, उनसे छुड़ाने के लिए भोजन का सिस्टम उनका हम चेंज करवा देता हूँ, पानी की मात्रा बढ़वा देता हूँ और उनको धर्म का राह दिखला देता हूँ, जिससे उनकी जब मन, बुद्धि और चित्त निर्मल होने लग जाता है तो रोग से निरोगी होने लगता है। जी, और आपका जो ये जो चल रहे हैं उनका उद्देश्य क्या, इसके अलावा भी चलते हैं क्या, इनके अलावा और कोई कार्य उद्देश्य है? हाँ, इसके अलावा भी कार्य है, ये तो सामाजिक है, मेरा मिशन है, उद्देश्य है कि मुझे अपनाओ, बीमारी भगाओ, पैसे बचाओ, और आध्यात्मिक मिशन है कि चलो ईश्वर की ओर एवं सनातन धर्म का बोध। तो ईश्वर की ओर चलने के लिए कोई दिखावट की बात नहीं, कोई आडंबर की बात नहीं, कोई पाखंड की बात नहीं, ईश्वर की तरफ चलना है तो स्वर के माध्यम से चलें। जैसे आदमी दूर है उसको कुछ हम देंगे तो नहीं पाएगा, लेकिन आवाज़ देंगे तो उसको मिल जाएगा। तो आवाज़ ही स्वर है, स्वर ही आवाज़ है, इसी स्वर से हम प्रभु को याद कर सकते हैं और प्रभु मेरे पास आ सकता है। कोई प्रभु के पास जाता नहीं है, प्रभु ही भक्तों के पास जाते हैं। तो वो है अंतरात्मा, अर्थात घट के अंदर, अपने शरीर के अंदर जो आत्मा के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए आत्मा से हट करके, आत्मा से अलग होकर के प्रभु की प्राप्ति न हुआ है, वो भी सिंपल है, सरल है, समझने की ज़रूरत है। हम आत्मा के विषय में, अपने श्वास के विषय में जान जाएंगे, श्वास हमें याद आने लग जाएगी तो हम ईश्वर की तरफ बढ़ चलेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसमें कोई पाखंड नहीं। समाज क्या है? समाज क्या है?